हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो है आज है अष्टमी और मैं अष्टमी का पूजन करती हूँ, तो मैं आज ही अपने व्रत का समापन करूँगी। कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी पूजन करते हैं, मैं अष्टमी का पूजन करती हूँ। तो मैं पहले अपने भोग की तैयारी करूँगी, उसके बाद में कन्या पूजन भी आज ही करूँगी। तो पहले अपना भोग की तैयारी करते हैं, उसके बाद में आप सबसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कर ली है अपनी पूजा की तैयारी और मैंने भोग भी बना दिया है। जो कुछ भी माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, दिया जाता है, वो सब मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ पे कर लिया मैंने अपनी पूजा भी। और माता को तिलक लगाने के बाद, सारी पूजा करने के बाद अब मैं करूंगी अपनी कन्या पूजन की तैयारी। यहाँ पे नारियल भी टूट चुका है और एकदम दो भागों में टूटा है। कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम सुंदर सा, बढ़िया सा। और ये है मेरा भोग की तैयारी। देखिए मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे पूरियाँ बनाई हैं, छोले बनाए हैं और बनाया है सूजी का हलवा। तो मैं इन सबको कन्याओं के लिए रखूँगी। मैं यहाँ पे कन्याओं के लिए टिफ़िन में ये सब भोग रख रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और अपनी दीदी के घर लेके जाना है ये सब भोग। वहीं पे मुझे कन्याएं मिलेंगी, तो मैं वहीं पे कन्या पूजन करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले इनको सबको भरती हूँ, रखती हूँ अच्छे से और करती हूँ अपनी तैयारी जाने की, और वहीं पे सब जाके मैं पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मैं आज बहुत काम होता है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, अभी इतना आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत बनेगी तो और भी ज़्यादा शूट करके आपको दिखा पाऊँगी। सुबह सुबह तो मैं भूल ही गई खाना बनाते समय कि कुछ शूट भी करना है, सीधा अपने ध्यान में लग गए खाना बनाने में। तो बस जब ध्यान आया कि अरे पूजा भी, शूट भी करना है, ये सब काम भी करना है, तो फिर शूट किया और इतना ही शूट कर पाई। कन्याएं भी मिल गए और पूजा भी अच्छे से हो गई। Thank you.
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।